अब खबरें विस्तार से। सारी रात शादी की रस्में निभाई जाती रहीं। सुबह दूल्हे के पिता बेटी और बहू को लेकर घर वापस लौट रहे थे, तभी उनकी कार ट्रक की चपेट में आ गई। इस हृदय विदारक घटना में दूल्हा दुल्हन पिता समेत 5 लोगों की मौत हो गई। बलौदा निवासी ओम प्रकाश सोनी अपने पुत्र की शादी करने बारात लेकर शिवरी नारायण गए। रात में हंसी ठिठोली के बीच शादी की सारी रस्में निभाई गईं। अल सुबह बहू को विदा कर ओम प्रकाश सोनी कार की ड्राइविंग सीट पर स्वयं बैठे और आंखों में बच्चों के उज्जवल भविष्य की तस्वीर लिए लौट रहे थे, तभी उनकी कार पामगढ़ के समीप ट्रक की चपेट में आ गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार में बैठे दूल्हा दुल्हन समेत सभी 5 लोगों की मौत हो गई। छूट नहीं बचे गाड़ी की। जांजगीर जिले के मुलमुला थाना अंतर्गत ग्राम पकरिया के समीप हुई इस घटना ने पूरे छत्तीसगढ़ को हिला कर रख दिया है। जिसे भी इस घटना की खबर मिलती है वह विधाता से रुष्ट होकर कहता है कि ऐसा कुछ करना था तो ओम प्रकाश सोनी के घर में खुशी का वातावरण क्यों निर्मित किया। मृतक परिवार के शुभचिंतक अवाक रह गए हैं। कोई भी कुछ भी कहने से पहले बड़ी हिम्मत जुटाता है। दूल्हे के एक दोस्त ने भरे गले से बताया कि शादी के कुछ घंटे बाद ही उसके दोस्त का परिवार खत्म हो गया। सूर्यनारायण बारात गए हुए थे, ओम प्रकाश सोनी, शुभम सोनी, उनकी वाइफ थी नेहा सोनी, वापस आ रहे थे पकरिया जंगल के पास। इन लोगों का एक्सीडेंट हुआ है ऑन द स्पॉट, सभी के सभी 5 लोग खत्म हो गए हैं।